गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं जो है यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ और मैं लौकी के पराठे बना रही हूँ। और पराठे गरम गरम अच्छे लगते हैं, तो मैं एक एक बना बना के बच्चों को और राज के पापा को देती जा रही हूँ। तो वो बैठे हैं आगे के रूम में और मैं किचन से ये पराठा लाके राज को दे देती हूँ। और राज को बहुत ही ज़्यादा पसंद है लौकी के पराठे, बिकॉज वो जो है रोटी एक या डेढ़ खाता है, बट पराठे जो है वो दो से तीन खा लेता है। तो यहाँ पर है खुशी और राज के पापा, और मैं भी पराठे खा लूँगी। राज के पापा करेले की सब्जी के साथ खा रहे थे, जो कि कल की थी शायद, हाँ कल की है। तो मैं भी खा लेती हूँ और आपको ले चलती हूँ अपने पड़ोस में। तो मैं आ गई हूँ हमारे पड़ोस में, जस्ट मतलब हमारे बाजू में ही रहते हैं वो, जहाँ मैं पहले रेंट से रहती थी उसी रूम में। तो ये है, ये सामान देख के आपको क्या लगता है कि ये किस चीज़ का सामान है? हाँ यस, ये दुल्हन का सामान है। तो ये सारा कुछ दुल्हन के लिए लिया गया है, पर्स, ये सैंडल, ये जो लहंगा है शादी का। तो ये हमारे पड़ोस में जो लड़की है सायमा, उसकी शादी है और मैं उसकी शादी में आपको भी ले जाने वाली हूँ। तो ये सारे के सारे सूट है, बिकॉज़ उनमें सूट ही ज़्यादा होता है, सिर्फ शादी का लहंगा है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो मिलते हैं हम बाद में। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? तो मैंने आज का जो व्लॉग है बहुत ही लेट शुरू किया है, बिकॉज़ मैंने आज कुछ भी शूट नहीं किया था सुबह से। तो मैंने आज सोचा था कि मुझे आपसे बापरे लाइट चली गई, थोड़ी देर में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है लाइट चली गई थी और मैंने वीडियो जो है बीच में ही बंद करना पड़ा मुझे। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि मैंने आज वीडियो क्यों शूट नहीं किए, मतलब मैंने रूटीन क्यों नहीं दिखाया अपना डेली। तो मैं आज कुछ अलग आपको दिखाना चाहती थी, इस वजह से मैंने जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो इस वजह से मैंने जो है वीडियो कुछ भी शूट नहीं किया है। तो मैं क्या दिखाना चाहती थी तो आप गेस कर सकते हो। तो चलो फिर, किस किस ने गेस किया आप कमेंट कर लेना और मैं दिखा देती हूँ। अभी कोई सस्पेंड नहीं रहेगा। तो चलिए फिर, मैंने ख़रीदा है ये देखिए सोफ़ा कवर। तो मैंने दो जोड़ी सोफ़ा कवर ख़रीदे हैं, ये देखिए, एक ये है और एक ये है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया मुझे। तो इसके डिज़ाइन देखिए आप, तो ये जो है वेलवेट का है और हमने ये बहुत बड़े मॉल से लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने ये जो फेरी वाले होते हैं, मतलब डोर टू डोर आते हैं जो सेलर होते हैं, तो उनसे हमने ये परचेस किया है। और ये थोड़ा कॉटन टाइप का है, तो इससे ज़्यादा ये अच्छा है, बट मुझे ये जो वेलवेट का है इसका कलर बहुत ही अच्छा लगा। तो ये 10 पीसेस है और ये 10 पीस, तो ये हमें सिर्फ और सिर्फ 1000 में परचेस किया है हमने। और हम अगर मॉल में जाएंगे तो इस चीज़ का मतलब 1.5 से 2 हज़ार तक जो है हमें मतलब हमसे वो ले लेते हैं, हमें इतने में ही वो परचेस करना पड़ता है। बट अगर हम ऐसा कुछ घर से मतलब घर पे ले लें तो हमें बहुत ही ज़्यादा ये भी होता है कि हमें बहुत कम दाम देना पड़ता है। और क्वालिटी वाइज मतलब इतनी बढ़िया है क्वालिटी का, इसमें कुछ ये नहीं है। मॉल वाले जो होते हैं, जो लोग होते हैं शॉप वाले, वो उनका दुकान और उनकी लाइटिंग वगैरह, उनके वर्कर जो होते हैं, उनके दाम लगा के फिर हमें उसी मतलब वो क्या करते हैं कि उनके जो लाइटिंग प्लस उनके वर्कर प्लस उनके जो शॉप का मतलब खर्चा वगैरह वो ऐड कर देते हैं, फिर हमें उस दाम में वो देते हैं। तो इस वजह से वो ज़्यादा महंगा हो जाता है।
तो हमारा मॉल तो यही है, हम यहीं पर ले लेते हैं और हमें अच्छा मतलब अच्छा खासा मिल जाता है कम भाव में, कम रेट में। तो मुझे तो मॉल से ज़्यादा यहीं पर लेना पसंद करती हूँ, ज़्यादातर यहीं पर शॉपिंग कर लेते हैं। तो मैंने आपको दिखाया मैंने आज क्या शॉपिंग की, तो एक ये है जो कि बहुत ही बढ़िया है और ये इस काइंड ऑफ का है, आपको दिखाती हूँ इसका डिजाइन। हमने खोल खाल के पूरा मतलब ये कर दिया है, इस वजह से ये देखिए इस पर लेस भी लगी है फ्रेंड्स, ये देखिए ये वाली लेस। और ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया मुझे दोनों के दोनों, और इतने कम दाम में मतलब 1000 में दोनों। और मैंने ये वाला जो सोफ़ा कवर है ये भी मैंने 700 में लिया था, तो ये भी मुझे अच्छा ही पड़ा था। तो इसे मतलब 4 से 5 साल हो चुके हैं और ये अभी भी ख़राब नहीं हुआ है, बट क्या होता है कि कुछ चीज़ें पुरानी हो जाती है तो हमें उसे निकालना पड़ता है। तो फिर भी मैं इसे अभी नहीं निकालने वाली हूँ, ये मैंने सिर्फ ले लिए हैं, अगर त्यौहार वगैरह रहा तो तब हम इसे डाल देंगे, यूज कर लेंगे और फिर वापस से रख देंगे। तो हमारे ये जो है सोफ़ा कवर ये अभी भी मतलब फटे नहीं है, कुछ पुराने वगैरह नहीं हुए हैं। और हम जिस इंसान से मतलब जिस व्यक्ति से हम लेते हैं उन्हीं से हमने ये परचेस किया है और वो बहुत ही मतलब ओल्ड है। और हम ऐसे लोगों के पास से लेते हैं जिनका मतलब वो खुद मेहनत करके पेट भरते हैं और बहुत ही मतलब किसी के हाथ पाँव टूटे हैं या फिर किसी का बहुत ज़्यादा एज है, तो हम ऐसे ही लोगों से जो है चीज़ें परचेस करते हैं। क्योंकि राज के पापा का मानना है और मेरा भी यही मानना है कि हमें हम अगर किसी की मदद नहीं कर सकते तो हम उससे कुछ चीज़ें लेके तो हम मतलब उसकी थोड़ी बहुत हेल्प तो कर सकते हैं। तो हम साइकिल वाले जो आते हैं बेचने वाले फेरी वाले, उन्हीं से हम ऐसा सारा कुछ जो सामान है परचेस कर लेते हैं। हम कोई मॉल वगैरह नहीं जाते हैं फ्रेंड्स, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ऐसी मतलब ऊपर ऊपर का दिखावा करना मुझे नहीं आता है, जो है वो रियल है। बिकॉज मैं अपनी रियल लाइफ दिखा रही हूँ तो मैं जो है वही बोलूँगी आपसे और वही मैं दिखाती हूँ जो मेरी लाइफ है। तो हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम मॉल में जाए और मॉल में ख़रीदी करें, और औकात का क्या है, मॉल में यही चीज़ हमें ज़्यादा पैसों से मिलेगी। और हम अगर किसी का भला कर सकते हैं तो हम यहाँ पर मतलब जो फेरी वाले आते हैं उनसे क्यों ना ले, वो इतनी धूप में आते हैं, इतने मतलब सुबह सुबह में निकल जाते हैं घर से और डायरेक्ट रात में ही जाते हैं, ना खाना खाते हैं ना कुछ ना कुछ, तो हम क्यों ना उनसे ही परचेस करें ऐसी सारी कुछ चीज़ें जो कि उन्हें भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो। जो क्वालिटी हमें मॉल में मिलती है 1.5 से 2 हज़ार में, वही क्वालिटी अगर हमें हमारे दरवाजे पे मिलती है तो आप कौन सा चूज़ करना चाहोगे प्लीज़ आप लोग मतलब कमेंट करना और मुझे कमेंट करके बोलना। तो अगर आप लोग मेरे बात से सहमत हो तो मैं ये नहीं बोलती कि आप मॉल में मत जाओ और मॉल से खरीदी मत करो, बट हमारे से मतलब जितना होता है हमारी जो औकात है मेरी जो लाइफ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर किसी को बुरा लगे तो आई एम सॉरी, मेरा कोई मतलब ये नहीं था कि मैं किसी के दिल को कुछ मतलब ठेस नहीं पहुँचाना चाहती। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों की हेल्प करती हूँ, कुछ इस तरह से अपनी शॉपिंग भी हो जाती है और उनका जो है मतलब उनकी रोजी रोटी भी हो जाती है। तो चलिए फिर, आप लोगों ने मेरा ये जो आज की शॉपिंग आप लोगों ने देख ली, तो मैं जो वो फेरी वाले चाचा उनका भी मैंने वीडियो क्लिप जो है शूट किया हुआ था, बट मुझसे वो मतलब डिलीट हो गया। तो कोई नहीं, अगली बार मेरी मामी जी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है तो मामी जी ने भी ऑर्डर कर दिया है कि आप मेरे लिए लेके रखना। तो मेरी मामी के लिए मैं जब लूँगी तो मैं उन चाचा जी का जो है शूट कर लूँगी, उनका थोड़ा बहुत आपसे इंट्रोडक्शन भी कराऊँगी, तो वो लोग आपको बता देंगे कि उनको ये कितने में मिलता है और उनको क्या सारे जो सेलर हैं उनको सारे के सारे मतलब माल वही
रेंज में मिलता है, बट वो जो है उनका मतलब सारे वर्कर वगैरह लाइटिंग वीटिंग सारा प्लस करके हमें देते हैं, तो इस वजह से। तो आज मैंने जो है एक कुर्ता सिलवाया है कस्टमर का है, तो एक कुर्ता स्टिच किया है मैंने और एक ब्लाउज की कटिंग भी करी थी मैंने, तो जो कि मैं कल सीने वाली हूँ। तो 5:30 बजे है, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा लेट अपना वीडियो शुरू किया था और मैं ज़्यादा बक 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 करती हूँ, तो मैं अपना जो व्लॉग है यहीं पर ख़त्म कर लेती हूँ, बिकॉज़ बहुत लंबा हो जाएगा। और मैंने सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड थी ये दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत आपसे बातें करनी थी, थोड़ा बक बक करना था इस वजह से। तो चलो फिर, मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपको पता है क्या, प्लीज़ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चैनल आपको मेरा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, बिकॉज़ मुझे आपके हेल्प की ज़रूरत है। तो प्लीज़ यार मुझे भी सपोर्ट कर दो, और क्या, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत गर्म हो रहा है यार, मेरे फैन भी बंद कर दिया क्योंकि मैं माइक वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कल के व्लॉग में, बाय बाय।